भाई कल का दिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहा और बहुत ही ज्यादा बड़ा रहा, क्योंकि कल के दिन हमारे सामने क्या आता है, वर्ल्ड कप 2023 का स्केड्यूल। और सबसे कमाल की बात, आपने उस स्केड्यूल में नोटिस नहीं करी होगी कि बीसीसीआई ने जो इंडिया के मैचेस रखवाए हैं ना भैया, एकदम सही टाइम पे रखवाए हैं, एकदम सही दिन पे रखवाए हैं। जितने भी इंडिया के बड़े मैचेस हैं सब के सब संडे को होंगे। ना 8 अक्टूबर संडे को ऑस्ट्रेलिया के साथ, 15 अक्टूबर संडे को पाकिस्तान के साथ, 22 अक्टूबर संडे को न्यूजीलैंड के साथ, 29 अक्टूबर संडे को इंग्लैंड के साथ और 5 नवंबर संडे को साउथ अफ्रीका के साथ। यानी कि इंडिया के जितने भी धांसू मैच होने हैं सब के सब आप आराम से मस्त भैया कुर्सी पे बैठ के, मस्त भैया बिस्तर पे विराजमान होके देख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी खुशखबरी एक और है कि इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे सब के सब भैया 2:30 बजे शुरू होंगे, मस्त भैया रात तक चलेंगे। होने को वर्ल्ड कप में ऐसे बहुत से मैचेस हैं जो सुबह भी रखे गए हैं, 10:30 बजे करीब भी रखे गए हैं, लेकिन इंडिया का ऐसा एक भी मैच नहीं रखा गया है, क्योंकि भैया इंडिया में हो रहा है, इंडिया की तो चलेगी ही ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो जाहिर सी बात है कि इन सारे ही मैचेस में जो मैच सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाला है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही होने वाला है, लेकिन सेम टाइम पे भैया तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो किस तारीख पे है, 5 नवंबर को। और 5 नवंबर को क्या होता है, किंग कोहली का जन्मदिन। कसम से भैया मजा आ जाएगा अगर इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के मैच में विराट कोहली अपने बर्थडे के दिन एक कमाल की पारी खेल देना, तो आधा वर्ल्ड कप तो भैया उसी दिन जीत जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन अब जब विराट कोहली की बात आई गई है तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन जो वीरेंद्र सहवाग थे वो उसी इवेंट में मौजूद थे जहां पे इस स्केड्यूल को सबके सामने दर्शाया जा रहा था। तो उसी इवेंट में जो वीरेंद्र सहवाग हैं वो आईसीसी को एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो जो बात कहते हैं ना, कसम से अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, भाई बैठा है ना। उस इंटरव्यू में वीरेंद्र सहवाग ने जो भी भैया कमाल की बातें कही है ना, जिसे सुन के तुम्हारा आज का दिन बनने वाला है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है। देखो सबसे मदहोश करने वाली और हर क्रिकेट फैन को पूरे तरीके से पागल कर देने वाली बात जो वीरेंद्र सहवाग ने रिवील करी है वो ये है कि वीरेंद्र सहवाग कहते हैं जब 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो टीम में जितने भी मेंबर्स थे वो बस यही सोचते थे कि कुछ भी करके हमें ये वर्ल्ड कप जीतना है और हमें ये वर्ल्ड कप देश के लिए तो जीतना ही है, देश की के लिए तो जीतना ही जीतना है, लेकिन उससे भी जरूरी ये वर्ल्ड कप हमें एक इंसान के लिए जीतना है जिसका नाम है गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। और वही मोटिवेशन था हमारे लिए, वही इंस्पिरेशन थी हमारे लिए कि कुछ भी करके सचिन भाई के लिए वर्ल्ड कप जीतना ही है, क्योंकि जिस बंदे ने इंडियन क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है उसके लिए तो वर्ल्ड कप जीतना ही पड़ेगा। और वहीं पे सहवाग आगे ये कहते हैं कि ऐसा ही कुछ समा होगा 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, जब सचिन का स्वरूप लेके वहां विराट कोहली खेल रहे होंगे और पूरा देश और टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उनके दिमाग में एक ही चीज घूम रही होगी कि ये वर्ल्ड कप जो जीतना है ये जीतना ही जीतना है विराट कोहली के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़े गिरे पड़े सर फूटे माता फूटे जो हो जाए, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीतना है नन अदर देन विराट कोहली के लिए, क्योंकि उस बंदे ने भी उतना ही किया है जितना सचिन ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया था। तो इस बंदे को ये वर्ल्ड कप तो जिताना ही होगा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते आज के टाइम पे जिस तरीके का लोड है, जिस तरीके का प्रेशर है, पता नहीं कब विराट कोहली कह दें कि बस भैया हम थक चुके हैं, हम जाना चाहते हैं, बहुत हुआ। तो मान के चलिए भले ये सच ना हो, लेकिन मान के चलिए कि क्या पता ये विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप हो, तो ये जो टीम है, ये जो भारतीय टीम है, इसे विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना होगा। लेकिन यहां पे मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि वीरेंद्र सहवाग ने तो ये कहा कि पूरी जो टीम है या पूरा जो देश है वो ये सोच के इस बार वर्ल्ड कप देखेगा कि इंडिया को ये वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जीतना होगा, लेकिन मैं कहूंगा इंडिया को ये वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए भी जीतना होगा, रोहित शर्मा के लिए भी जीतना होगा। माना कि थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे रही हैं, माना कि स्टैट्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन रोहित शर्मा ने भी कम नहीं किया है, रोहित शर्मा ने भी जो किया है वो आने वाले सैकड़ों सालों तक कोई और नहीं कर पाएगा भाई।
आई, चलो दो पल के लिए उतने रन मार लेगा, दो पल के लिए उतने शतक मार लेगा, दो पल के लिए उस तरीके की वो एवरेज पा लेगा, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा भी अपने आप में उतने ही बड़े ब्रांड हैं जितने बड़े ब्रांड विराट कोहली हैं। तो टीम को जो वर्ल्ड कप जीतना है वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के लिए नहीं बल्कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के लिए जीतना है। और रोहित भाई तो इस बार कप्तान है, और हमें याद है वो 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप जब धोनी का वो रनआउट होता है तो वो जो मायूस सा चेहरा रोहित शर्मा का सामने आता है जब वो एक कोने पे बैठे होते हैं अपने हाथ को अपने सर पे रख के बहुत ज्यादा मायूस हो रखे होते हैं, तब हम महसूस कर पा रहे होते हैं कि रोहित शर्मा के दिल में कितना दर्द है, वो कितना ज्यादा दुखी है। वहीं पे विराट कोहली का चेहरा भी सामने आता है, हम देख पा रहे होते हैं कि विराट कोहली भी कितना दुखी है। तो भाई ये मायूस चेहरे इस वर्ल्ड कप में अगर थोड़ी सी खुशी पा लेना तो इससे बड़ी खुशी कुछ और हो ही नहीं सकती है। मतलब सोच के देखो वो क्या सभा होगा जब भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, रोहित शर्मा जाएंगे वर्ल्ड कप उठाएंगे, अपनी टीम को सौंपेंगे, और उसके बाद जो भारतीय टीम होगी आधे लोग विराट कोहली को उठा के चक्कर मारेंगे, आधे लोग रोहित शर्मा को उठा के चक्कर मारेंगे, तो वो जो दृश्य होगा वो भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा दृश्य होगा, सबसे अहम दृश्य होगा और सबसे अद्भुत दृश्य होगा। तो होगा। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि इस वर्ल्ड कप की जो सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाली है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है। और देखो जहां वीरेंद्र सहवाग ने वो 2011 के सचिन को इस 2023 के विराट कोहली से कंपेयर किया है ना, तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप में जब जब भारत और पाकिस्तान फिरते हैं तो सचिन तेंदुलकर चलते ही चलते थे। तो इस 15 अक्टूबर 2023 को जब भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे तो विराट भैया अगर शतक मार देना तो कसम से बवाल कट जाएगा, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारे लिए जो वर्ल्ड कप की जीत है वो वहीं पे तय हो जाएगी। हम सबको पता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना 2022 का, वहां विराट भैया ने क्या बवाल काटा था। भले ही वो वर्ल्ड कप हम नहीं जीते थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर भारतवासी का जो दिल है वो ये जानता था कि हमारे लिए तो भैया बहुत हद तक वही वर्ल्ड कप था। लेकिन अब भैया इन जाली वर्ल्ड कप से काम नहीं चलेगा, इन खुशियों से काम नहीं चलेगा, असल वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा, तो जीतना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। और पता है वीरेंद्र सहवाग ने इसी इंटरव्यू में एक और बहुत बड़ी बात को रिवील किया कि जब 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो जो भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी वो पूरे वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं खाते थे सिवाय खिचड़ी के, उसके अलावा वो अपने शरीर के अंदर खाने की कोई भी चीज नहीं डालते थे, सुबह शाम दिन हर वक्त सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाते थे। अब यहाँ पे असल देखो लॉजिक ये है कि धोनी कोई खिचड़ी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। असल में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो MS धोनी ने पहले दो मैच में सुबह और शाम बस खिचड़ी ही खाई, और उसके बाद जब धोनी को लगा कि भैया मैं जब जब खिचड़ी खा रहा हूँ इंडिया का जो सफर है वो काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, तो धोनी भाई ने अपने ही अंदर एक अंधविश्वास को जन्म दे दिया कि भाई इस पूरे ही वर्ल्ड कप खिचड़ी ही खाऊंगा क्योंकि इस बार तो इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि रोहित शर्मा भाई आप भी कुछ ऐसा अंधविश्वास ढूंढिए कि आप मस्त बैठ के वो काम करते रहें या कुछ भी खाते रहें और यहाँ जो भारत है वो वर्ल्ड कप जीत जाए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। लेकिन भाई जो भी कहो रवि शास्त्री ने ना इसी वर्ल्ड कप को लेके इंडियन टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को रिवील किया है। रवि शास्त्री ने कहा कि आप वर्ल्ड कप का इतिहास उठा के देख लीजिए, खासकर उन वर्ल्ड कप को देख लीजिए जहां पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म करा है, तो हर बार इंपॉर्टेंट मैचेस में जो इंडिया के टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो लेफ्ट हैंडर्स रहे हैं, चाहे गौतम गंभीर हो गए या चाहे युवराज सिंह हो गए, और कुछ हद तक हमने 2011 के ODI वर्ल्ड कप में देखा था कि किस तरीके से सुरेश रैना इंपॉर्टेंट मैचेस में कुछ क्रूशियल पारी खेलते थे। लेकिन अगर आप इस वक्त की इंडियन टीम पे नजर डालते हैं तो लेफ्ट हैंडर्स हैं ही नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप आज के टाइम पे वर्ल्ड कप 2023 की टीम सोचें तो लेफ्ट हैंडर्स हैं ही नहीं। ऊपर से देखिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, चौथे नंबर पे चाहे सूर्या हो चाहे श्रेयस अय्यर हो ये भी राइट हैंडर हैं, पांचवें छठे पे भी देखें तो संजू सैमसन खेलेंगे या KL राहुल खेलेंगे, सब राइट हैंडर्स हैं।
हैं, उसके अलावा भी कौन है, हार्दिक पांड्या राइट हैंडर्स हैं, एक ईशान किशन का नाम सूझता है, लेकिन ईशान किशन की असल में टीम में जगह नहीं बन रही है। सीधे जाके सातवें आठवें नंबर पे जो रविंद्र जडेजा हैं वो आपके पहले लेफ्ट हैंडर होंगे, और कहीं ना कहीं रवि शास्त्री यहां पे कुछ तो सच बोल रहे हैं जिसके बारे में इंडिया को सोचना होगा, क्योंकि धवन इस वक्त इंडिया के पास है नहीं, तो कौन होगा जो लेफ्ट हैंडर बनके इंडिया की नैया को पार लगाएगा। आपके मन में इस प्रॉब्लम को लेकर कोई सॉल्यूशन है तो कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप 2023 में वो कौन से तीन प्लेयर होंगे, चाहे बैट्समैन कह लें चाहे बॉलर कह लें, सबको मिला के वो कौन से तीन प्लेयर होंगे जो इंडिया के सबसे बड़े सूत्रधार साबित होंगे। प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है आज कमेंट में जरूर बताना। और भाई मैं जानता हूं वर्ल्ड कप के लिए तो एक्साइटेड हो गए ही, तो इसी एक्साइटमेंट की कसम है तुमको भाई, डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है मेरे इंस्टा पेज खेल बाजार का, फटाक से जाओ फॉलो करो, रोज भैया रील्स डालते हैं, और मन में कोई सवाल है डीएम कर दो, आने वाली वीडियो में तुम्हारे नाम को शॉर्ट आउट फीचर किया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज भाई जो भी वीडियो देख रहा है अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।